केंद्र सरकार ने रबी की फसलों के लिए 2022-2023 सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP घोषित किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गेहूं का जो नया MSP है उसमें 40 रुपए की वृद्धि है, जौ में 35 रुपए की वृद्धि है, चना 130 रुपए की वृद्धि है, मसूर की दाल 400 रुपए की वृद्धि है, सरसों में 400 रुपए की वृद्धि है और सूरजमुखी में 114 रुपए की वृद्धि को दर्शाया गया है और ये ऐलान केंद्र सरकार ने किया है। अब इसको समझने के लिए रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस महासचिव, उनका बयान आपको सुनाते हैं। उन्होंने क्या कहा? श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि देश के किसान से धोखा है, ऊंट के मुंह में जीरा वाली रबी MSP की बढ़ोतरी। उन्होंने चार्ट के जरिए समझाया है कि गन्ना 285 रुपए से 290 यानी बढ़त सिर्फ 1.75%, गेहूं 1975 रुपए से 2015 रुपए यानी बढ़त सिर्फ 2%, सूरजमुखी 5327 रुपए से 5441 यानी बढ़त सिर्फ 2.14%, जौ 1600 रुपए से 1635 रुपए यानी बढ़त सिर्फ 2.18%, चना 5100 रुपए से 5230 रुपए यानी बढ़त सिर्फ 2.55%, मसूर 5100 रुपए से 5500 यानी बढ़त सिर्फ 7.85%, सरसों 4650 रुपए से 5050 रुपए यानी बढ़त सिर्फ 8.6%। रणदीप सिंह सुरजेवाला आगे लिखते हैं कि पहले मोदी सरकार ने डीजल की कीमत में आग लगाई, खाद कीटनाशक दवाई खेतों के उपकरण ट्रैक्टर के दाम बढ़े और उस पर GST लगाया गया। भाजपा सरकार ने किया खेती की लागत मूल्य 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर बढ़ाने का काम, आज सिर्फ 2% से 8% की बढ़ोतरी कर MSP का किया काम तमाम, यानी जेब में डालो कुछ नहीं और किसान की जेब से निकालो सब कुछ। अब आपको एक तीसरा चार्ट दिखाते हैं जो किसान नेता अपने सोशल मीडिया पर उस चार्ट को प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने गेहूं के समर्थन मूल्य को जो कंपैरिजन किया है वो लिखा है और उस चार्ट में दिखाया है कि सरकार ने गेहूं पर जो 2015 रुपए का रेट रखा है असल में वो 1901 रुपए है, यानी -74 रुपए की घाटे पे। इसी तरह उन्होंने जो जौ पर कहा है, जो सरकार ने 1635 रुपए का नए MSP का रेट रखा है, किसान नेताओं के चार्ट पर यह दर्शाया गया है कि असल में ये 1542 रुपए है, यानी यहाँ पर भी घाटा। चने के जो समर्थन मूल्य सरकार ने कहा है कि 5230 रुपए उन्होंने MSP इस पे बढ़ा कर किया है, वो असल में 4934 रुपए। इसी तरह मसूर के 5500 रुपए की जो नए समर्थन मूल्य हैं वो असल में 5179 रुपए। सरसों जो सरकार का नया MSP रेट 5050 रुपए है, असल में वो 4764 रुपए है। और सूरजमुखी जो कि सरकार ने नए MSP में 5441 रुपए का रेट रखा है, असल में वो 5133 रुपए यानी 194 रुपए का घाटा। तो ये है सरकार के नए MSP का कंपैरिजन। आप देख सकते हैं जो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि ऊंट के मुंह में जीरा।